Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को कीव पहुंचे। रेल फोर्स वन ट्रेन से सफर करते हुए पीएम मोदी कीव पहुंचे। उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 7 घंटे ही यहां पर रहेंगे। कीव पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और उन्होंने यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे छात्रों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने लोगों से मुलाकात की, कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। समाचार एजेंसी ANI ने कुछ वीडियो भी शेयर की है। पीएम मोदी ने कीव के एवी फोमेन बोटेनिकल गार्डन में महात्मा गांधी की कांस्य की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित भी किए हैं और इस प्रतिमा को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर 2020 में स्थापित किया गया था। पीएम मोदी इस दौरान यूक्रेन नेशनल म्यूजियम का दौरा भी करेंगे और इस म्यूजियम में 20वीं और 21वीं सदी के सबसे बड़े सैन्य संघर्षों के दस्तावेज और कलाकृतियाँ हैं। ये संग्रहालय आज़ादी और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े यूक्रेन के लोगों के साहसिक संघर्ष को बयां करता है।